Now respiration. रेस्पिरेशन, वॉट एवर फूड इज एब्जॉर्ब, हमारा जो फूड एब्जॉर्ब होता है, सो वॉट एवर फूड इज एब्जॉर्ब आफ्टर डाइजेशन, उसको क्या करते हैं, इट इज टू बी कैरीड टू ईच सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू, चाहे वो फ्लोएम के थ्रू हो, अगर प्लांट्स हैं तो प्लांट्स में फूड कैसे जाएगा, जो स्टार्च बन रहा है, जो ग्लूकोज बन रहा है, वो हर सेल तक कैसे पहुंचेगा? अब स्टेम तो बना नहीं सकती, रूट तो बना नहीं सकते खाना, लेकिन उनको भी तो एनर्जी चाहिए. सो इसका मतलब क्या है, इज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ईच सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म. इन प्लांट्स ये कैसे होगा, ठीक है, फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय फ्रॉम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहां खाना बन रहा है वहां से, उस साइट को क्या कहते हैं, क्या है वो साइट, फोटोसिंथेसिस की साइट जहां खाना बनता है, क्या लीव्स हैं, टू स्टेम एंड रूट्स, वहां से कहां पहुंचाया जाएगा, स्टेम में जाएगा, क्योंकि स्टेम में तो कोई ग्रीन पार्ट है नहीं, वहां तो कोई क्लोरोफिल नहीं है, बड़े बड़े पेड़ हैं उनमें कहां होता है स्टेम में, टू, और रूट्स तो जमीन के अंदर है, उसको तो कभी धूप भी नहीं लगती है, स्टेम एंड रूट्स थ्रू फ्लोएम, और ये कौन करता है, वाइल इन ह्यूमन बींग, हमारे अंदर क्या होता है, इट इज ट्रांसपोर्टेड टू ईच सेल ऑफ बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स है, और ब्लड वेसल्स में क्या होगा, ब्लड वेसल्स में एक इस तरीके की आरबीसी होगी, जो इस तरीके की होगी आरबीसी भी होगी, या वहां पर डब्ल्यूबीसी भी होगी, डब्ल्यूबीसी किस तरीके की होगी, इस तरीके से, ये इस तरीके से होगी, इररेगुलर शेप में होगी डब्ल्यूबीसी, या वहां पर कुछ प्लेटलेट्स भी होंगी, तो प्लेटलेट्स भी रेडी होती हैं, लेकिन उनका इस तरीके का स्पिंडल शेप होता है, और बाकी इसके थ्रू, जो ब्लड वेसल के थ्रू अब चीज़ें जो फ्लो कर रही हैं, जिनमें ये सब फ्लो करते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा, ये ब्लड वेसल है, ब्लड जिसमें बहता है उसको कहते हैं वेसल, तो ये ब्लड वेसल, ये चीज, और इसके अंदर क्या है, प्लाज्मा, प्लाज्मा में डिसॉल्व क्या क्या है बताइए, सो प्लाज्मा में C6H12O6 है, इसमें वाटर भी डिसॉल्व है, मोस्टली तो वाटर है ही, इसमें और क्या क्या है, क्या इसमें फैटी एसिड्स हैं, क्या इसमें ग्लिसरॉल है, और क्या इसमें एमिनो एसिड्स हैं, क्या इसमें विटामिन्स हैं, विटामिन ए बी सी जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, एंड मिनरल्स, सोडियम पोटेशियम, ये सब मिनरल होते हैं, के प्लस, एन ए प्लस, सी ए टू प्लस, क्योंकि यही सब हड्डियां बनाते हैं, एम जी टू प्लस, फॉस्फेट से हड्डियां बनती हैं, दांत बनते हैं फॉस्फेट से, फॉस्फेट, तो ये सारी चीज़ें प्लाज्मा के थ्रू होती हुई कहाँ पहुँच जाती हैं, ये प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में, ना इसे कोई नहीं कैरी करता, ये जो है ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, ये क्या है, प्लेटलेट्स हैं, ये क्या है, प्लेटलेट्स,
जब भी अगर हमारे अंदर कहीं वियर्ड होती है, ये जो वेसल टूट फूट जाती है, तो ऐसे केस में प्लग उसको, ये जो प्लेटलेट है उसे प्लग इन कर देता है, वो वहाँ के खून को जमा देता है, जिससे कि हमारे बॉडी का ब्लड लॉस ना हो जाए। तो कभी भी ऐसा होता है तो नो कुणाल, योर वॉइस इज नॉट कमिंग, प्लीज टेल योर क्वेरी। सो दिस इज WBC। तो WBC क्या करता है? WBC हमको इम्यून सिस्टम देता है, बीमारियों से बचाता है। तो ये सारी चीज़ें इसके थ्रू जाता है। सो नाउ ये सब इसमें डिजॉल्व फॉर्म में हमारी बॉडी में फ्लो करते हैं और हर सेल तक पहुंच जाते हैं। इस ट्रांसपोर्टेड टू ईच सेल ऑफ बॉडी। किसके थ्रू? थ्रू ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल से पहुंच जाते हैं। अच्छा, अब जब ये न्यूट्रिएंट्स वहां पहुंच गए, तो क्या इनसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करनी है? दीज न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड प्रांजल, एम आई ऑडिबल? ईशान, एम आई ऑडिबल? ओके ओके। अभी ठीक है, अब आई है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस लीव है। लीव इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कहां पर बताओ फोटोसिंथेसिस? खाना कहां बनता है? लीव्स में बनता है। तो लीव साइट हो गई फोटोसिंथेसिस की, वहीं पे जहां पे क्लोरोफिल है वही साइट है। न्यू प्लांट्स में तो स्टेम भी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि उनकी जो स्टेम है दैट इज़ वेरी टेंडर, बहुत कोमल होती हैं, और इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड इट इज़ ग्रीन। लेकिन जैसे जैसे प्लांट एक बहुत बड़े ट्री में बदल जाता है, तो उसके स्टेम में ग्रीनरी नहीं रह जाती, वो तो बार्क से कवर्ड हो जाता है पूरा स्टेम, वो तो वुडन हो जाता है। तो ऐसे केस में वो टिम्बर बन जाता है। तो ऐसे केस में साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस अब लीव सी रह जाती है। तो लीव से सब जगह पहुंचाया जाता है। और हम लोगों में कैसे पहुंचाया जाता है बताओ? क्या हम लोगों में डिजॉल्व फॉर्म में पहुंचाया जाता है? प्लाज्मा में डिजॉल्व रहता है। तो अगर प्लाज्मा में डिजॉल्व रहता है तो ये सब सेल में पहुंच जाता है। सो इट इज यूटिलाइज। जब सेल में पहुंच जाएगा तो ये सेल क्या करेंगे? इट इज यूटिलाइज बाई सेल। सो दीज न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड बाई सेल फॉर देयर लाइफ प्रोसेसेस। हर एक सेल का भी अपना लाइफ प्रोसेस है, उसको भी एनर्जी चाहिए। उसमें बड़े बड़े सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम, गाल्जी एपरेटस, लाइजोजोम, सेंट्रियोल्स, वैक्यूल्स, ऐसे न जाने कितने सेल ऑर्गेनल्स हैं, 12 सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो इट इज यूटिलाइज्ड बाई सेल फॉर देयर ग्रोथ एंड लाइफ प्रोसेसेस। उनके अपने भी लाइफ प्रोसेस हैं। क्यों? क्योंकि दैट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट। सेल जो है स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है। अब वो जब इसको यूज करेगी, इट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय सेल फॉर इट्स ग्रोथ इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। उसको समंजन भी कहते हैं, एसिमिलेशन। अब देखो, दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स बाय सेल फॉर इट्स ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। बढ़ेगी भी और खुद को मेंटेन भी करेगी। इस कॉल्ड, आप रात को खाना खा के सो जाइए, सुबह तक आपको भूख लग जाएगी। 70% हमारी एनर्जी सिर्फ सेल के मेंटेनेंस में जाती है। 30% से हम लोकोमोशन करते हैं, बाकी 70% हर एक सेल को ऐसे ही चाहिए अपने को मेंटेन करने के लिए।
सेल के बाहर पोटेशियम ज्यादा है, सेल के अंदर सोडियम ज्यादा है, तो सोडियम पोटेशियम पंप यानी इनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में ही 70% एनर्जी हमारी खर्च हो जाती है। सो दिस इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे, एसिमिलेशन। फिर रेस्पिरेशन क्या है? ये तो हमें पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट को वो यूज करते हैं, लेकिन कैसे यूज करते होंगे? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। द प्रोसेस रेस्पिरेशन क्या है और ये कहाँ पर होता है? इट टेक्स प्लेस एट सेलुलर साइट। ये हम लोग नहीं करते हैं, ये जो आप सांस ले रहे हो या छोड़ रहे हो ये रेस्पिरेशन नहीं है, ये तो ब्रीदिंग प्रोसेस है। सो द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी ठीक है फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में भी कौन, ग्लूकोज यानी C6H12O6 से रिलीज करना ठीक है, इस कॉल्ड रेस्पिरेशन। और ये कहाँ होता है? इट टेक्स प्लेस एट सेलुलर साइट, एट सेल पर होता है। जरा चेक करें कि हमारे सेल के पास C6H12O6 पहुंचा, तो ये सेल के पास पहुंच गया, सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया ने उसके अंदर इस तरीके के फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं जिसको सिस्टर्न कहते हैं, तो वहाँ पर देयर आर वहाँ पर बहुत बड़े बड़े काम होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। सो माइटोकॉन्ड्रिया में देयर आर राइबोसोम्स होंगे, इसके अपने डीएनए होंगे, ऑल्सो इन फोल्डेड स्ट्रक्चर में इसे तोड़ा जाता है। ये हमारी बॉडी का पावर हाउस है और ये सेल के अंदर रहता है, और कई रहते हैं, एक नहीं रहता, सिर्फ एक नहीं रहते हैं, 6-7 रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, प्लांट्स में तो एक दो रहेगा, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एनिमल्स में ये ज़्यादा रहते हैं। तो ये लिया जाएगा, और ऑक्सीजन भी चाहिए, ऑक्सीजन कौन लेके आएगा, क्या RBC लाएगा, ये जो है रेड ब्लड सेल्स लाएंगे क्या? ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए, देख लो। ये कौन लेके गया, क्या प्लाज्मा लेके गया, C6H12O6 कौन लेके गया बताओ? अच्छा, तो ये सेल को देगा, कहेगा ये लो ग्लूकोज और RBC, बोलेगा ये लो ऑक्सीजन। क्या RBC के अंदर हीमोग्लोबिन है? हीमोग्लोबिन क्या आयरन का बना होता है जिसकी वजह से इसका कलर रेड है? और क्या वो हमारे लंग्स से ऑक्सीजन ट्रैप करने में सक्षम है? इट हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ये जो इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वो आयरन से बना है। जैसे आप लोगों को मालूम है कि क्लोरोफिल मैग्नीशियम से बना है, वैसे आपको ये भी पता है कि रेड ब्लड सेल के अंदर क्या है, आयरन है। कहते हैं इसमें आयरन की कमी हो गई है, तभी इसके रेड ब्लड सेल्स फेफड़े से यानी पल्मोनरी साइड से ऑक्सीजन खींच ही नहीं पाते हैं, इसमें ऑक्सीजन चिपक जाती है। इट हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, लेकिन कब, जबकि इसमें आयरन होगा। अगर आपने आयरन की चीज़ नहीं खाई है, पालक नहीं खाई है, पॉमग्रेनेट अनार नहीं खाया है, सब्जियां नहीं खाई, सब में आयरन होता है, तो देन देयर इज ए क्या होगा, इसको कहते हैं कि एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, RBC बनना बंद हो जाते हैं। तो इसका काम क्या है, RBC का काम क्या, O2 को ट्रैप करना, और ट्रैप करना तो कहाँ से ट्रैप करना, क्या पल्मोनरी साइड से? पल्मोनरी साइट किसको कहते हैं, क्या लंग्स को कहते हैं? तो RBC का क्या काम है, ऑक्सीजन लेती है लंग्स से, जैसे हमने एल्वियोली बताया था कि नहीं, लंग्स में स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे, उसको घेरे रहती हैं, लंग्स में भी छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं,
लंग्स के एंड में, तो वहाँ से ऑक्सीजन ले लेंगी उसको घेर के, जैसे ये माइक्रोविली को घेर के वहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेती हैं, वैसे लंग्स की ब्रांचेस के टर्मिनल्स को घेर के वहाँ से क्या लेती हैं बताइए? इट विल टेक ऑक्सीजन, और फिर क्या करेंगी उस ऑक्सीजन को भी लेके कहाँ पहुँचा देंगी बताइए? दे टेक ऑक्स, यस दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम देयर एंड ये हर सेल तक पहुँचा देंगी, कहेंगे ये लो ग्लूकोज और मैं लंग से ऑक्सीजन लाया हूँ, ब्लड बोलेगा इसको भी लो, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेगा दोनों चीज़ें तुम लो, तुमको दिया ये दोनों चीज़ें तुमको दी, अब मुझे इसको तोड़ के सारे सेल में एनर्जी बांटो, तो कैसे बनेगा इससे? क्या 6CO2 बन जाएगा? क्या 6H2O बन जाएगा? और क्या एनर्जी रिलीज होगी? सेल के अंदर ही तो भेजा जाएगा, सेल के अंदर ये सब जाएगा, वहीं एसिमिलेट होगा, तो ये चीज कहाँ भेजी जाएगी? भाई अब आप ये देख लो, ये क्या है न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ क्या है? तो ये बताओ अमीनो एसिड कहाँ भेजा जाएगा? ब्लड वेसल आई इसके चारों तरफ, ब्लड वेसल यहाँ आ गई, तो बोलेगी ये लो, सेल से बोलेगी लो अमीनो एसिड भेजो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, क्योंकि वही प्रोटीन बनाएगा। क्या प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड बना था? अच्छा जो प्लांट के प्रोटीन हैं क्या वो हमारे किसी काम के हैं? वो तो खड़ा रहता है चुपचाप, और हमको तो लोकोमोट करना है, इसीलिए तो तोड़ा गया था, नहीं तो दाल का प्रोटीन वैसे का वैसा पचा लिया जाता, वही प्रोटीन हमारे काम आ जाता। लेकिन प्लांट के जो प्रोटीन हैं उसको तो खड़े रहना है स्टेटिक, और हमको चलना फिरना है, तो क्या वो काम आएंगे? वो मोती की माला हमारे काम आएगी बताइए? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि प्रोटीन में जो अमीनो एसिड है उनका अपना अरेंजमेंट डिसाइड करता है, ये अमीनो एसिड है अलग अलग, तो ये डिसाइड करता है कि वो प्रोटीन का एंजाइम कैसा होगा, वो उसका फंक्शन कैसा होगा, हमारी बॉडी को वो कैसा स्ट्रक्चर देगा। तो इट इज द अरेंजमेंट। टोटल कितने तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं? 20। ये बिल्कुल सही बात है। तो ये जो 20 तरीके के अमीनो एसिड्स हैं इनका किस तरीके का माला है? तो माला तोड़ी जाती है और फिर से बनाई जाती है, यही काम होता है सेल में। सो इट इज ऑल अरेंजमेंट। तो ये हमने देख लिया कि डिफरेंट काइंड ऑफ ऐसे अरेंजमेंट होता है। सो दिस इज अमीनो एसिड। उसको किसने तोड़ा था? क्या डाइजेस्टिव सिस्टम ने तोड़ा था? और फिर उसको फिर से क्या नई माला बनाई जाएगी मोतियों को? तो इन्हीं अमीनो एसिड को तोड़ के नए तरीके से प्रोटीन का निर्माण होगा। तो बताओ प्रोटीन किसे दिया जाएगा? क्या हमारे जो एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम में किसी किसी पे राइबोसोम बैठा हुआ है और किसी पे नहीं बैठा है? और जिस पे बैठा है क्या उसे रफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम कहते हैं? और जिस पे नहीं बैठा है राइबोसोम उसको स्मूथ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम कहते हैं? बोलो। जिस पे राइबोसोम बैठा है, राइबोसोम का क्या काम है? क्या इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस? इसी से तो प्रोटीन बनता है। तो ये बताओ ये एमिनो एसिड के टुकड़े किसको दिए जाएंगे? भाई अभी देख, आयुष ने बोला कि ये माइटोकॉन्ड्रिया को क्या दिया जाएगा, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको दिया जाएगा ग्लूकोज, बोला जाएगा लो ग्लूकोज तुम लो और सबको एनर्जी पहुंचाओ। तो इसको क्या मिलेगा, जो ये जो रेड ब्लड सेल्स और ये सब आई हैं ये इसको क्या देंगी? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या ग्लूकोज दे देंगी? और ये बताओ इनको क्या देंगी, रफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम को क्या अमीनो एसिड दे देंगे? बोलो। फिर स्मूथ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम को क्या देंगी? जैसे ये सारी चीजें कौन लेके आया सेल तक? ब्लड ले आया, ब्लड के बड़े बड़े पाइप हैं, वेसल्स होते हैं ना, ब्लड के थ्रू ही तो सब कुछ आता जाता है, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन भी जाती है। जैसे हमने देखा कि आरबीसी ने ऑक्सीजन ली लंग से और हर सेल तक पहुंचाई,
और बाकी ये सब देखो इसमें ब्लड में प्लाज्मा में घुला हुआ है, डिजॉल्व है। अब जब प्लाज्मा सेल के पास पहुंचा तो क्या ये सारी चीजें उसे सेल को देनी है? सेल में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सेल में कहां कहां किसे क्या क्या दिया जाएगा? तो अनीशा ये मुझे बताओ कि एसईआर को क्या मिलेगा, जो ब्लड लेके आया सब में बंदर बांट होगा तो एसईआर को क्या मिलेगा बताइए। हाँ बोलो सीजन। हाँ फैटी एसिड, क्यों फैटी एसिड मिलेगा? क्योंकि एसईआर क्या बनाता है बताओ, क्या लिपिड बनाता है? लिपिड भी एक फैट होता है, तो इसे फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल मिल जाएगा इसके हिस्से में। अच्छा ये बताओ आरईआर के हिस्से में क्या मिलेगा? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड फिर माइटोकॉन्ड्रिया को क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। और इसी तरीके से सोडियम पोटेशियम ये सब पूरे सेल में मिल जाएंगे, तो सब कुछ सबको मिल गया ना, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या मिला बताओ? आवाज आ रही है ईशान, आपकी आवाज आ रही है, बोलो ईशान। हाँ आ रही है, बोलो। माइटोकॉन्ड्रिया को ग्लूकोज मिला, ठीक है। तो नाउ ओके इट इज ओके, नाउ माइटोकॉन्ड्रिया को ग्लूकोज मिला, नाउ स्टॉप टॉकिंग इट इज ओके। और ऑक्सीजन मिली, ऑक्सीजन कहाँ से आई? क्या लंग से आई? और ग्लूकोज कहाँ से आया? क्या फ्रॉम इंटेस्टाइन आया? अच्छा ये सब माइटोकॉन्ड्रिया को दे दिया गया, माइटोकॉन्ड्रिया ने इसको तोड़ दिया, और एक ग्लूकोज से इसने कितनी एनर्जी बनाई तोड़ के बताओ? 38 ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी 38 करेंसी ऑफ एनर्जी बनाई। जैसे आर्टिस क्या विटामिंस तो सभी को चाहिए सर, जो भी सारे ऑर्गेनल्स हैं इफ दे वांट टू रिमेन हेल्दी तो उन सबको विटामिन दिए जाते हैं। इट इज टू कीप फ्री ऑल द सेल ऑर्गेनल्स फ्री फ्रॉम एनी डिसीज। तो विटामिन सभी को मिलेंगे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, एंड देयर पैकिंग इज इंश्योर्ड बाई गॉल्जी ऑपरेटर्स विच इज लॉजिस्टिक सेक्शन। सबको कहाँ कहाँ डिस्पैच करना है ये सारी जिम्मेदारी गॉल्जी ऑपरेटर्स की, वही सबको देता है। वो ग्लूकोज भी ऐसा नहीं दे देगा फेंक के, पैक करके बाकायदा देगा ग्लूकोज ऑक्सीजन सब कुछ गॉल्जी। ऑक्सीजन तो फ्रीली मूव कर सकता है, इट इज फ्रॉम डिफ्यूजन, अदरवाइज अदर थिंग्स आर न्यूट्रिएंट्स आर पैक्ड एंड डिस्पर्स्ड, गैस का कुछ नहीं है। तो ये बताओ ये कौन सा प्रोसेस है और कहाँ होता है? क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारे काम की बस यही इक्वेशन है रेस्पिरेशन में, दैट इज अगर ग्लूकोज को ऑक्सीजन से तोड़ा जाए तो क्या वो एरोबिक रेस्पिरेशन है? कई बार ऐसा भी होता है ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन के भी तोड़ा जाता है, वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जैसे हमारे मसल सेल में तोड़ा जाता है। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते भागते हैं, तो सेल के अलावा भी ग्लूकोज पूरी बॉडी में है, मसल्स में भी टूटने लगता है, वहाँ ऑक्सीजन पहुँचे या ना पहुँचे जो ग्लूकोज उसके पास रिजर्व है वो भी तोड़ने लगेगा। तो दो तरीके से, अगर एयर के साथ टूटे तो क्या वो एरोबिक रेस्पिरेशन है, और बिना एयर के टूटे तो क्या वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है? तो हमारी बॉडी में दोनों तरीके का होगा। लेकिन कुणाल ये बताइए व्हाट इज रेस्पिरेशन? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी बाय टेकिंग ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। यस, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज, यानी किसको तोड़ के एनर्जी रिलीज की गई? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन, तो किसी ना किसी को तो तोड़ना पड़ेगा। और कार्बोहाइड्रेट जो लोग खाते हैं उनकी बॉडी में एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट का सिर्फ यही मतलब है एनर्जी बनना। तो द प्रोसेस ऑफ, और प्रोटीन से हमारी बॉडी बनती है,
अब जैसे सूडान और कांगो के लोग हैं, उनको सिर्फ गेहूं मिलता है खाने के लिए, चावल मिलता है, वो बढ़ नहीं पाते, बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनकी बॉडी में आप देखोगे फ्लैश नहीं होगा, मीट नहीं होगा, बहुत दुबले पतले होंगे, क्योंकि उनकी बॉडी में सेल बन ही नहीं पाएगी। सेल बनने के लिए सेल की आउटर मेम्ब्रेन किसकी होनी चाहिए बताओ, प्रोटीन और लिपिड की भी, दोनों चाहिए ना। तो अगर प्रोटीन और लिपिड नहीं दोगे, तेल घी वो लोग नहीं खाएंगे, तो प्रोटीन दाल नहीं खाएंगे, तो सेल की मेम्ब्रेन नहीं बनेगी, तो नई सेल नहीं बनेगी, तो फिर जब नई सेल नहीं बनेगी तो उनकी बॉडी में फ्लश कैसे आएगा। सिर्फ वो गेहूं चावल खा रहे हैं, गेहूं चावल खाओगे, अगर अपने बच्चे को गेहूं चावल खिलाया जाए वो कभी बढ़ ही नहीं सकता है, और दाल ना खिलाओ कभी, वो छोटा ही रहेगा, उसकी सेल बड़ी बल्कि डिजेनरेट होगी, जो सेल एक बार मर जाएगी वो भी नई नहीं बन पाएगी। अब जरा देखो, डाउट द प्रोसेस था बोलो। हाँ सर, आपने बोला था पीछे सर वो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं सर, उसको ना फैटी और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल चाहिए होता है, तो सर उसको वो फैट क्यों नहीं होता, क्योंकि आपने उधर लिपिड भी लिखा था। हाँ, तो वही लिपिड है, तो वही फैट पहुंचाया जाता है, दैट इज फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिला दिया जाए तो फैट बनता है। फैट टूट के क्या बनता है बताओ, अगर फैट को, मान लीजिए फैट को लाइपेज तोड़ दे तो क्या बनाएगा बताइए। ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बनाएगा। ग्लाइकोजन कुछ नहीं होता, ग्लाइकोजन तो कार्बोहाइड्रेट की कंडेंस फॉर्म होती है, यानी अगर C6H12 O6 के 1,000 मॉलिक्यूल हों तो लीवर में ये कंडेंस हो जाएंगे, और C6H10O5 के 1,000 मॉलिक्यूल एक साथ मिलकर एक नेटवर्क बना लेंगे, इसको ग्लाइकोजन कहते हैं, ये लीवर में होता है और वहाँ रिजर्व फूड है ग्लाइकोजन, ये रिजर्व फूड है, जैसे स्टार्च होता है वैसे ग्लाइकोजन है, और एन वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, हर एक से H2O निकला देख लो, तो ग्लाइकोजन अलग चीज है, ग्लिसरॉल अलग चीज है, समझ में आई बात की नहीं। तो इन सब के अपने अलग अलग फार्मूले हैं, अभी तो बताना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ेंगे तब उसके बाद फिर ये ठीक रहता है बताना। तो सर ये लिपिड चीज को फैट कहते हैं? लिपिड फैट है, लिपिड और फैट एक ही चीज है, ऑयल भी वही चीज है। ये जो हमारे हैंड के नीचे आपने पढ़ा है 9th में एडिपोज टिश्यू होते हैं, एडिपोज टिश्यू की फोटो देखी है क्या, इस तरीके से एडिपोज टिश्यू होता है जिसमें अंदर पूरा ऑयल भरा है और न्यूक्लियस यहाँ है, बोलो ऐसा ही देखा था एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू तो ये पूरे हमारे हाथ के नीचे सब एक लेयर है, क्यों है बताओ, क्योंकि ये थर्मल इंसुलेटर है, अगर आप श्रीनगर में भी चले जाओ 0 डिग्री सेल्सियस पर भी, तो अंदर बॉडी का 38 डिग्री टेम्परेचर है, क्योंकि वो कौन इंसुलेट कर रहा है, अब बाहर का 0 अंदर 38, बताओ बीच में क्या पड़ रहा है जो हमारी हीट को निकलने नहीं, दैट इज इक्वल, दैट इज फैट की लेयर है या एडिपोज टिश्यू, एडिपोज का मतलब ही होता है ऑयल टिश्यू, तो फैट की लेयर है, मोटे आदमी को बर्फ की सिल्ली पे भी लिटा दो मजे से सो जाएगा, क्योंकि उसके पास एडिपोज टिश्यू बहुत है, फैट बहुत है उसकी बॉडी में। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ, अब जरा देखो, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, दोनों चल सकते हैं, क्योंकि एरोबिक भी रेस्पिरेशन होता है और एनएरोबिक भी रेस्पिरेशन होता है। तो प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज विद या विदाउट, ठीक है, हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन ग्लूकोज टूटना चाहिए, इस कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन, और ये कहाँ होता है, इट टेक्स प्लेस एट सेलुलर साइट, इन साइड सेल, इतनी बात हमने बता दी। अब जरा देखो, नाउ होता क्या है कि किसी भी सेल में,
फूड से क्या मिला? ग्लूकोज। और ऑक्सीजन कहाँ से मिली? एयर से। तो बाहर से ही तो हम लोग भी लेते हैं, और कहाँ से लेते हैं? ऑक्सीजन कहाँ से लेते हो? तो दैट इज फ्रॉम एयर। एयर से ही तो ब्रीद इन करते हो, और कहाँ से ऑक्सीजन आती है? और फूड से क्या लिया इसने? ग्लूकोज। एयर से क्या लिया? ऑक्सीजन। तो इस सेल के अंदर एक कुछ ऐसा काम हुआ, वो चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ है, ये बात सीक्रेट है। और उससे क्या मिल जाए? तो कई चीज़ें हैं माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा, कई बार ईस्ट में होगा, कई बार मसल सेल में होगा, तो वो हम आगे सेग्रीगेट करेंगे, अभी हम ज़्यादा इसके अंदर नहीं पढ़ना चाहते। तो इससे क्या क्या चीज़ मिली बताओ? क्या एनर्जी मिली? और बाई प्रोडक्ट क्या क्या निकला? क्या CO2 निकला और वाटर निकला? ये दोनों क्या हुए? CO2 का क्या होगा बताओ? नाउ दीज आर वेस्ट सब्सटेंस। CO2 का 80% पानी में डिजोल्व होकर यूरिन से निकल जाएगा, 20% का क्या होगा? ब्रीद आउट हो जाएगा, एयर में चला जाएगा, जो अनडिजॉल्व है वो वापस कर दी जाएगी और बाकी यूरिन के साथ निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि H2O वाटर में बहुत अच्छी तरीके से घुलनशील है। जैसे अगर हम H2O और प्लस वाटर और CO2 इन दोनों को मिला दें तो क्या बनता है? क्या H2CO3 बनता है? यही क्या सोडा वाटर है? कार्बोनिक एसिड को क्या कहते हैं? ये कार्बोनिक एसिड है, जैसे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, वैसे कार्बोनिक एसिड। और अगर इसमें स्वीट डाल दो, थोड़ा शुगर और थोड़ा फ्लेवर डाल दो लेमन का, तो क्या पेप्सी बन जाती है? बोलो। तो इस तरीके से हम देखते हैं, इन्हीं दोनों को मिला के सोडा वाटर बनता है। उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ दो, बन गया लिमका। चीनी मिला दो, लिमका बन जाए। सोडा वाटर बाहर मिल रहा है, उसमें अपने मन से फ्लेवर डालो, जो मर्जी वो डालो, वैसा कोल्ड ड्रिंक बनाओ। तो इसका मतलब ये दोनों अच्छी तरीके से डिजॉल्व हो जाते हैं। उनको हम लोगों ने टेस्ट करके भी देखा है, H2O में वाटर CO2 मिलने पर कैसा टेस्ट आता है। कोई बात नहीं। नाउ व्हाट इज द रेस्पिरेशन? हमारा मेन एम है कि रेस्पिरेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? टेकिंग इन ऑक्सीजन इन टू द सेल, टेकिंग इन ऑक्सीजन इन टू द सेल, और क्या क्या चीजें होंगी? टेकिंग इन ऑक्सीजन इन टू सेल, यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी, यूजिंग इट। तो मेन यही स्टीम है, ज़्यादातर यही होता है, इसीलिए रेस्पिरेशन में ऐसे करें। जब तक अगर अलग से ना कहा जाए कि एनरोबिक है या एरोबिक है, तब तक ज़्यादातर इन जनरल इसी को रेस्पिरेशन कहा जाता है। वो तो इमरजेंसी में एन एरोबिक होता है, बिना एयर के, बिना ऑक्सीजन के। यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी, इसको एनर्जी के लिए रिलीज कर दिया जाए। बाय बर्निंग फूड, फूड की बर्निंग हो जाती है। बर्निंग का क्या मतलब समझते हो? कि किसी चीज का ऑक्सीडेशन कर दिया जाए तो क्या वही बर्निंग है? मान लीजिए कि कार्बन का ऑक्सीडेशन कर दो तो CO2 बन जाए, ये कोयला है, तो कोल को जला दिया जाए तो क्या बहुत एनर्जी निकलती है? और ये प्रोसेस क्या बर्निंग है? तो C6H12O6 में अगर हमने ऑक्सीजन दे दी तो क्या सारा कोयला जल गया? H2 को ऑक्सीजन दे दी जाए तो क्या होगा? H2O बन जाएगा। ऑक्सीजन क्या ये बर्निंग है? क्योंकि हाइड्रोजन से ऑटो चलते हैं, सैटेलाइट चलते हैं, वो क्या करते हैं बताओ? हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल जाती, वो जल जाता है और H2O बनाता है, इसी से सैटेलाइट प्रोपेल हो जाते हैं। हाइड्रोजन एक फ्यूल है, हमने इसकी बर्निंग आपको वीडियो दिखाई थी, पॉप साउंड के साथ जलता।
तो बनता क्या होगा जब जलता होगा, वेपर बनती होगी कि नहीं, वाटर वेपर। तो किसी भी चीज, तो क्या इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में अगर O2 दे दिया जाए तो क्या हो रहा है, क्या कार्बन पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो रहा है, बोलिए, और हाइड्रोजन भी पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये बर्निंग हुई कि नहीं। ऑक्सीजन क्या होगा अगर 100% प्योर ऑक्सीजन आपको दे दी जाए ब्रीदिंग करने के लिए, बताइए बताइए। फिर यश बता सकते हैं सर, उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होगी। लो, इन्होंने पूरी बात कह दी कि अगर 100% प्योर ऑक्सीजन दे दी जाए तो खड़े खड़े हमारा शरीर कोयले की तरह जल जाएगा, हर चीज बता दी है इसने। ये तो शुक्र मनाइए कि 21% ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में, और ये रेगुलेटेड बर्निंग है, कंट्रोल्ड बर्निंग, नहीं तो इतनी ज्यादा हीट हो कि आग लग जाए शरीर में, वाटर तो पूरा वेपराइज हो जाए। तो इस तरीके से ये कंट्रोल्ड बर्निंग समझिए, फूड की बर्निंग जरूर हो रही है लेकिन ये कैसी बर्निंग है, कंट्रोल बर्निंग बाई बर्निंग फूड। अच्छा, एंड देन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट, और क्या होता है, ये वेस्ट हमारे बाहर निकल गए, CO2 और H2, यही तो एक्सक्रीशन है। एंड एलिमिनेटिंग, ये सारा काम भी होना चाहिए, तो रेस्पिरेशन में हम ये भी पढ़ेंगे कि ये निकला कहाँ से, CO2 और वाटर, जब भी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट, That is CO2 and water, ये from the body. Anisha repeat करो, what is respiration? burning food and बिल्कुल अच्छी बात कही आपने, पूरा वैसे का वैसा बता दिया, एंड एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट। नाउ फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, यही रेस्पिरेशन। अब देखो देखो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा इंटेलेक्ट और हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे हमारी डेफिनेशन प्रिसाइज हो जाएगी कि नहीं। तो पहली डेफिनेशन अनाड़ी की है, तीसरी डेफिनेशन खिलाड़ी की है, दैट वाज फॉर लेमैन एंड दिस इज फॉर लॉरेट। तो अब जरा देखें, तो पहले हम लोगों ने हल्की फुल्की डेफिनेशन ली, फिर और प्रिसाइज की, फिर अब और प्रिसाइज कर ली। So the respiration is essential for life because it provides energy for life processes and keep the organism alive. क्यों respiration जरूरी है, ये life processes का हिस्सा क्यों है? So respiration is essential for life, क्यों जरूरी है? As it provides energy, क्योंकि इससे energy निकली। As it provides energy for carrying out life processes, and keeps the cell alive, बिना energy के तो कोई काम नहीं होता, and keeps सेल अलाइव, और इसीलिए तो आप अपने में इंटेक डालते रहते हो, खाना डालते रहते हो जिससे एनर्जी मिलती रहे हर सेल को, तो हर सेल जिंदा रहे तो उसको तो एनर्जी चाहिए ही, एंड अल्टीमेटली दैट एनर्जी मेक्स इट्स वे इनटू एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग से हमारी बॉडी से हीट निकल निकल कर चली जाती है। आप देखो क्लासरूम में बच्चे बैठे हो तो, बहुत बच्चे हो या भीड़ में चले जाओ तो इतनी हीट पैदा होती है,
वही हमारी बॉडी से अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर में चली जाती है. व्हाट डज इट मीन बाय प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग? ब्रीदिंग क्या है? तो हमारी बॉडी में क्या होता है कि एक डायाफ्राम भी है ना. डायाफ्राम में क्या है, यहाँ पे डायाफ्राम है इस तरीके से, वो बार बार अप एंड डाउन एक रिदमिक मोशन करता है. और यहाँ से एक लंग्स हैं जो कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर भी हैं ये. तो इस लंग्स में क्या है, लंग्स में एक ट्यूब आ रहा है जिसको कि क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज दैट इज ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल बना, इन्हीं में से जा रहा है. तो जब ये ऊपर जाएगा तो इससे क्या, हवा वापस इसमें चली जाएगी. भाई आप देखो, इसको ऊपर करो तो अल्टीमेटली इसमें हवा भरी वही तो निकल जाएगी. व्हेन डायाफ्राम मूव्स अप, ये वीडियो दिखाएंगे, लेकिन आप समझिए, एक बेसिक चीज समझिए कि अगर मैं इसे ऊपर करूं और ये बैलून है, तो बैलून है तो बैलून में क्या होगा, व्हेन डायाफ्राम मूव्स अप, आप ये देखो, ये बोतल लो, ये देखो ये बोतल है, पेप्सी की आधी बोतल तोड़ दो और उसमें एक बैलून ऐसे लगा दो, ये तो ये बैलून है, और उसमें ये पेप्सी की बोतल में ये बैलून यहाँ पर ऐसे बांध दीजिए ये, और ये देखिए ये यहाँ पे बैलून लगा दीजिए, और इस बैलून को नीचे खींचो तो क्या होगा बताओ. ये भी एक ये रबर है, ये एक तरीके का रबर है, रबर को नीचे खींचो तो क्या होगा बताओ. तो जब इसको आप नीचे खींचोगे तो इस तरीके की कुछ सिचुएशन बनेगी. तो वीडियो तो दिखा दिया जाएगा, लेकिन हम लोग 10th के स्टूडेंट हैं, तो चीज़ें माइंड में भी बनने की आदत पड़नी चाहिए कि चीज़ों का. 9th के बच्चे को हर एक का वीडियो चाहिए, लेकिन 10th तक आते आते हम लोगों में क्या हो जाता है, अब चीज़ों को हाइपोथेसिस करने और उससे हियर्सी और डॉगमा बनाने की भी प्रवृत्ति आ जाती है, किसी चीज़ का कैसा थ्योरी बनेगी. सो यू हैव टू थ्योरिसाइज, जब चीज़ें समझाई जा रही क्या ऐसा होगा. तो अब अगर नीचे खींच लिया हमने रबर बैंड तो क्या हुआ बताइए. व्हेन द डायाफ्राम इज मूविंग डाउनवर्ड देन क्या होगा बताओ, क्या इस बैलून में हवा भरी, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है अंदर हवा आने का. ये नीचे आया तो बैलून में हवा भरी, और जब इसी डायाफ्राम को जरा ऊपर करो तो क्या होगा बताओ. ये देखिए ये बैलून है, और इसमें मैं डायाफ्राम को अब ऊपर करना चाहता हूँ, ऊपर तो क्या होगा, क्या जो इसमें हवा है वो भी निकल जाएगी बताइए. इज इट दैट, सो इफ द डायाफ्राम इज मूव्ड अपवर्ड तो ये कैसा हो जाएगा, ये बिल्कुल पिचक जाएगा, क्योंकि ऑल द एयर इनसाइड इट इट गेट एक्सपेल्ड, ये बाहर निकल जाएगी कि नहीं. और यहां पर क्या हुआ, क्या अंदर आ गई, क्योंकि इसको खींचोगे तो हवा आएगी, और इसको ऊपर करोगे तो निकल जाएगी. सो सिमिलर इज द केस विद अस, ये हमारी बॉडी में क्या है, डायाफ्राम. और ड्यू टू इट्स रिदमिक मोशन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड देयर इज हमें सांस लेनी नहीं पड़ती है, वहाँ रिदमिक मोशन हो रहा है डायाफ्राम में अपने आप, सांस आती हो जाती है, आपको लेनी भी नहीं पड़ेगी, और न कभी डरना चाहिए कि सांस पता नहीं आई कि नहीं, पता नहीं पहुँची कि नहीं, बिकॉज इट इज़ ऑटोमेटिकली, ये हमारे अंदर ये विसरल ऑर्गन, ये अपने आप होता रहता है, इट इज़ ऑटोनॉमस सिस्टम विद इन अवर बॉडी, आपको कुछ करना नहीं, अपने आप होगा. तो इसलिए ड्यू टू रिदमिक मोशन ऑफ डायाफ्राम, डायाफ्राम किन दो कैविटीज को अलग करता है सृजन? हाँ बोलो, एब्डोमिनल कैविटी और थोरासिक कैविटी. अच्छी बात कही है, एब्डोमिनल
कैविटी, और ये थोरासिक कैविटी को अलग करेगा ऊपर वाली, दिस इज थोरासिक कैविटी, ये चीज हो गई। अब देखो, सो ड्यू टू रिदमिक मोशन ऑफ डायाफ्राम इन वर्टिकल डायरेक्शन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ब्रीदिंग टेक्स प्लेस। ब्रीदिंग होती है। नाउ व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग होता क्या है? ओके, सो ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस वेयर, हाँ ए, कोई भी लिखोगे सही हो जाएगी, एक ही लिखनी पड़ेगी, सब थोड़ी ना लिखनी पड़ेगी, सभी सही हैं, एक कोई भी लिखनी है। सो व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस, ठीक है? ब्रीदिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है? ब्रीदिंग इज फिजिकल प्रोसेस, इन विच एटमॉस्फेरिक एयर इज टेकन इन, एयर जिसे कि फ्रेश एयर भी कह सकते हैं, इज टेकन इन बाई पल्मोनरी साइट या लंग्स, एंड वेस्ट एयर या पॉल्यूटेड एयर इज थ्रोन आउट। वेस्ट एयर जब डायाफ्राम ऊपर जाएगा तो लंग्स सिकुड़ जाएंगे। अब ये देखो, ये चीज ऊपर गई तो क्या हुआ? हाँ, तो वही वेस्ट एयर है, वेस्ट एयर बाहर फेंक दी जाएगी, तो उसमें 20% CO2 होगी और 80% क्या होगी? ऑक्सीजन। 80% ऑक्सीजन नहीं होगी, फिर उसका भी परसेंटेज है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में है तो 71% नाइट्रोजन है और 29% क्या है? फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो इनका कंपोजिशन तो रहेगा, लेकिन बाकी ऑक्सीजन में जितना परसेंटेज है उसका क्या चीज? एयर में, हाँ बात सही है, इसको लिखो 79 और इसको लिखो 21%, तो ऑक्सीजन 21% है, तो 21 का भी मोर देखिए है। एक मिनट, फिर नेट में ही देख लें क्योंकि अलग अलग है, चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, जो भी हो उसको देख लेंगे, जो भी हमने लिख दिया, बाकी थोड़ा बहुत होगा तो करेक्शन कर देंगे, उसका कोई इश्यू नहीं है। अब देखो, जो वेस्ट एयर है वो थ्रोन आउट होगी, क्योंकि आपने कभी देखा है कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, हम अपने मुंह से निकली हुई सांस किसी व्यक्ति को देते हैं जब इमरजेंसी होती है, तो उसमें अगर 80% ऑक्सीजन ना होती तो क्या हम उसे जीवित कर पाते? बोलो, तो उसमें ऑक्सीजन होती है, और ये जो नए आपके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आए हैं वो हमारी ही निकली हुई सांस से ही तो ऑक्सीजन निकाल के फिर हमारे अंदर डाल रहे हैं भाई। जो कोरोना पेशेंट को दी जा रही है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, तो 80% उसमें ऑक्सीजन है, बाकी नाइट्रोजन छोड़ दो, 21 की मैं बात कर रहा हूँ, 21 में 80% ऑक्सीजन, बाकी CO2। बोलो, समझ में आ गई बात? फिर से पूछो। CO2 20% है। अब इसमें जब हम ब्रीद आउट करेंगे तो लगभग 4% के करीब CO2 रहेगा और बाकी 17% O2 रहेगा, ऐसा रहेगा।
बाकी 21 की हिस्सा बात होगी, नाइट्रोजन तो वैसे की वैसे निकल जाएगी, तो वो वेस्ट एयर है बस, क्योंकि उसमें CO2 भी थोड़ी है इसीलिए वेस्ट है। पूरी तरीके से CO2 थोड़ी ना निकलती, क्योंकि ज़्यादातर तो यूरिन से निकल जाती है, बाकी जो थोड़ी बहुत यूरिन मान लो वाटर में नहीं घुलनशील हो पाई, अब पेप्सी खुली रख दो बोतल तो क्या उसमें CO2 बबल आउट नहीं होगी क्या बताओ? लेकिन क्या तुरंत बबल आउट होगी? समय लगता है, थोड़ा 10 मिनट का तो थोड़ा समय लगता है, तो वही चीज है, उसी समय में वो ब्रीद आउट हो गई, इतनी बात है। तो ब्रीदिंग कैसा प्रोसेस है? क्या ये फिजिकल प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर ली जाती है फ्रेश एयर और लंग्स इज फ्रॉम लंग्स एंड वेस्ट एयर इज थ्रोन आउट, ये चीज है। जबकि रेस्पिरेशन क्या है? इट इज, ये क्या है, केमिकल प्रोसेस है क्या? प्रोसेस इन विच कार्बोहाइड्रेट इज ब्रोकन, कार्बोहाइड्रेट ना लिख के ग्लूकोज भी लिख सकते हो, ग्लूकोज भी लिखा जा सकता है, इज ब्रोकन विद हेल्प ऑफ O2 टू रिलीज एनर्जी। अच्छा ये मुझे बताओ कि ये ब्रीदिंग जो होती है क्या वो पल्मोनरी साइट में होती है क्या, लंग्स में होती है क्या, बताइए? और वो कहाँ होती है? आ रही है तो ये चीज कहाँ होती है? रेस्पिरेशन लो, इट टेक्स प्लेस, सही बताया अनीशा ने भी, ठीक बताया, इट टेक्स प्लेस एट सेलुलर साइट। अभी बताया ना आपको लंग्स, अभी 3-4 बार बता दिया, इट टेक्स प्लेस एट सेलुलर साइट। अच्छा क्या डायाफ्राम के ऊपर और नीचे मूव करने में एनर्जी खर्च होती क्या? ऐसे तो मूव नहीं करेगा, एनर्जी लगती होगी तभी तो डायाफ्राम ऊपर नीचे जाएगा, कोई भी चीज ऊपर नीचे हो रही तो एनर्जी नहीं लगेगी। सो ये कैसा प्रोसेस है? इन दिस एनर्जी इज कंज्यूम्ड फॉर मूविंग डायाफ्राम अप एंड डाउन, और जबकि इसमें क्या है? हाँ, इन दिस एनर्जी इज कंज्यूम्ड फॉर मूविंग डायाफ्राम अप एंड डाउन, और इसमें क्या है? दैट इन दिस एनर्जी इज रिलीज्ड, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, क्योंकि जितना भी है इस तरीके से इन दोनों का डिफरेंस है। अब जरा देखें, ये तो ब्रीदिंग की बात हो गई और रेस्पिरेशन की बात हो गई, इन दोनों में डिफरेंस हो गया, फिर भी एक चीज हम देख लें तो कुछ समझ में आए देखने से। एक्चुअली वो वीडियो दिखाने की बात तो कर रहे थे लेकिन हमारा फोन अभी चार्ज नहीं है, तो चार्ज हो रहा है तब तक हम वीडियो भी दिखा देंगे, तब तक आप बस समझने की कोशिश करो, बाकी तो वीडियो है। अब देखो कि आगे की बात देखें, नाउ व्हेन डायाफ्राम मूव्स अप तो क्या होता है? मूव्स अप होता है तो प्रांजल क्या होता होगा? ब्रीदिंग इन है कि ब्रीदिंग आउट? ब्रीदिंग इन, तो चेक कर लें देन, ठीक है, ब्रीदिंग डायाफ्राम ऊपर चला गया, सो दैट इज, थोड़ी देर तब भी आपको वेट करना पड़ेगा, अभी फोन हमारा ऑन हुआ है, थोड़ी देर और वेट करना पड़ेगा। मूव्स अप देन ब्रीदिंग आउट, क्योंकि हमने पीछे आपको दिखा दिया था, आप इसी से समझ लो
पिक्चर से समझ लो, उसमें तो दिखाया ही जाएगा। ऊपर जाएगा तो क्या हो रहा है, हवा बाहर निकलने की और बढ़ जाएगा बैलून। नीचे से रबर बैंड को ऊपर उठाओ, ठीक है। तो मान लीजिए इस तरीके से है कि मान लें कि ये एक पेप्सी की बोतल है। अब थोड़ा सा हम आपके लिए और 3D डायग्राम बना दें, थोड़ा सा हो सकता है। ये देखो स्क्रीन ब्लड है। अच्छा अब देखो, ये अगर ये डायफ्राम है, ये हमने रबर बैंड से इसको बांध दिया है। ये रबर बैंड से एक इस तरीके से कोई बैलून का टुकड़ा बांध दिया है, और इसमें एक बैलून पड़ा है, ये बैलून एक और पड़ा है। और ये बताओ इसे बाहर खींचोगे तो क्या होगा, नीचे करो, बैलून में हवा भरेगी कि पिचक जाएगा? भरेगी। तो ये डाउनवर्ड है, इधर आया तो इसे क्या कहेंगे, डाउनवर्ड, क्योंकि ये इस तरीके से है। ये तो ये हमने ऊपर का दिखा दिया, ये डायफ्राम है और इसके ऊपर ऐसे हमने रबर बैंड लगा दिया है, और ये बैलून है। अब इसी से देख के बस बता दो क्या होगा, जब ये नीचे जाएगा तो क्या होगा, बैलून फूलेगा कि पिचकेगा? फूल जाएगा। तो ये चीज होगी। अब जरा देखिए, व्हेन डायफ्राम मूव्स अपवर्ड देन ब्रीदिंग आउट टेक्स प्लेस। Takes place and when diaphragm moves down, अच्छा नीचे करोगे तो क्या होगा, then breathing in, अंदर हवा inhale हो जाएगी। इसको क्या कहते हैं, inhalation कहेंगे क्या? अच्छा ये बताओ, ब्रीदिंग आउट को क्या कहते हैं, क्या एक्सहेलेशन? तो इसको इनहेलेशन कहते हैं। टेक्स प्लेस नाउ, जस्ट होल्ड। Breathing in and breathing out. तो इसको अब हम वीडियो से भी देख लें कि breathing in and breathing out किस तरीके से होता है। Want the right information on COVID-19 vaccines? Experts Kisano on YouTube. Now. Commonly referred to as breathing, is the process of air flowing in and out of the lungs during inspiration and expiration. The air movements are governed by the principles of gas laws. Basically, air flows from higher to lower pressure. Pressure within a cavity increases when its volume decreases, and vice versa. Volume of a given amount of gas increases with increased temperature. अब जरा देखें कि क्या होता होगा। ओके, जस्ट वेट, आई थिंक ये क्वाइट एक्सपिरेशन रिलाइज देयरफॉर ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ द लंग्स एंड रिब केज, their ability to spring back to the original dimensions. Just hold. Conditions that reduce pulmonary elasticity, such as emphysema. Sir, ek activity sir, wo class 8 ki wo wali touch maar lijiye. Ek minute. Movement of diaphragm and breathing.
just mechanics of breathing. Consciously take a breath and think about the fact that there are 10 different muscle groups working together to make this happen. These muscle groups include the diaphragm and intercostal muscles. The main muscle used for breathing is the diaphragm. The diaphragm is a dome-shaped structure consisting of seven large muscles, which is sandwiched between the chest cavity, containing the lungs and the ribcage. तो ये नीचे की चीज को अलग करता है, ये है डायाफ्राम. Including your stomach. The muscles that move the ribcage itself. ये rib cage are the internal and external intercostal muscles. They are each attached to the ribs and run between them. मसल से इनकेज है, पूरा लंग. और ये लंग्स का मूवमेंट है, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट. जरा देखो डायाफ्राम से क्या हो रहा है. अच्छा, लेफ्ट वाला बाई लोब है, इसमें दो लंग्स होते हैं और उधर राइट वाले में एक होता है. तीन लंग्स होते हैं हमारे पास, यहाँ दो हैं, यहाँ सिंगल है, यहाँ दो होंगे. अब देखो डायाफ्राम का मूवमेंट देखो, ये ऊपर नीचे हो रहा है. तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या लंग्स को पुश करेगा और हवा निकलेगी. एक बेली ब्रीदिंग भी होती है. अच्छा ये बताओ कि पेट अंदर दबाओगे तो क्या होगा, क्या तब भी हवा बाहर फेंकेगी? बोलो, पेट को अंदर खींचो क्या हवा बाहर जाती है नाक से, नॉस्ट्रिल से? तो उसको कहते हैं बेली ब्रीदिंग. तो कुछ लोग बेली ब्रीदिंग भी करते हैं, वो विदाउट डायाफ्राम होती है. क्योंकि ऐसे केस में भी हमारी बॉडी में जब हम बेली अंदर करेंगे तो क्या हमारी एब्डोमिनल कैविटी का सारा सिस्टम ऊपर चला जाएगा क्या? जगह तो उतनी ही है. अब पेट दबा लोगे तो बताओ स्टमक सब ऊपर चले जाएंगे क्या? क्योंकि नीचे तो पूरा जो है रीनल कैविटी में पूरी हड्डी है, तो रीनल बोन है जो नीचे, पेल्विस बोन, वो तो नीचे नहीं जाएगी, उसी पर तो सारा टिका हुआ है आपका एब्डोमिनल सिस्टम. तो ये देखो नीचे की जो हड्डी है, ये जरा नीचे की हड्डी भी देखो, ये नाउ जरा ये देखो, ये नीचे की बोन अभी दिखा रही है, क्या इसके नीचे चला जाएगा? ये नाउ सी, अब जरा देखिए, नाउ ये देखो ब्लर है तो इसको ठीक करते हैं. अच्छा ओके, जस्ट होल्ड नाउ. हियर अब आप देखें कि इसमें ये पेल्विस बोन कौन सी है. ये पेल्विस बोन है जिस पर ये सारा टिका हुआ है, दिस इज पेल्विस बोन. अब देखिए कि इसके मूवमेंट से क्या होगा. ओके तो जब हम बेली ब्रीदिंग करेंगे तो पेट को दबाएंगे तो भी हवा निकलेगी, सब सामान ऊपर चला जाएगा डायाफ्राम. और दूसरा डायाफ्राम का मूवमेंट है, ये देखो आप ये देख रहे हैं ना, इज देयर एनी डिफिकल्टी कि ऊपर जाएगा तो ये इसको ऊपर ऊपर की ओर फैलेगा. बोलो फिर से दिखाएं. हाँ बोलो, हम लेते नहीं है. जब डायाफ्राम ऊपर जाएगा तो लंग्स को ऊपर ठेलेगा क्या? अभी दिखाया था वीडियो में, डायाफ्राम ऊपर जाएगा तो लंग्स को ऊपर धक्का देगा क्या? तो क्या हवा बाहर निकल जाएगी? और जब डायाफ्राम नीचे आएगा तो क्या लंग्स अपनी नेचुरल पोजीशन में आ जाएंगे? वो कैसे आएंगे? हवा भर जाएगी लंग्स में. समझ में आई बात की नहीं? ओके कि लंग्स में हवा कैसे भरती है. नाउ वी विल सी कि जस्ट होल्ड. नाउ
रियल लंग्स। हम देखेंगे किस तरीके से कि जो लंग्स होते हैं तो वो कैसे काम करते हैं। लेट अस सी इट। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारा फेफड़ा, जो कि हमें सांस लेने में मदद करता है। ये फेफड़ा सिकुड़ता है, फैलता है, इस प्रकार सांस अंदर ले। अब जरा देखें, श्वास नली द्वारा हमारे नाक है फेफड़े के अंदर। तो अगर हमें ये जानना है कि फेफड़ा काम करता है इस विंड पाइप से, जिसे ट्रैकिया भी कहते हैं, और ये विंड पाइप फेफड़ों में आने तक दो भागों में बंट जाते हैं। द्वारा सांस लेना, अभी दिखाते हैं आपको। फेफड़ा फैलता है तब हम पदार्थ, जिसे म्यूकस भी कहते हैं, वाली शाखाओं में फैल जाती है, और इन जड़ जैसी शाखाओं के अंत में एक गोल बॉल की तरह छोटे छोटे एयर बैग्स जैसी संरचना होती है, जिसे एल्वोलाई कहते हैं, जिसके ऊपर ब्लड वेसल्स, मेनली ब्लड कैपिलरीज चिपकी हुई होती हैं। जब एयर एल्वोलाई पर आती है तो वहाँ से O2 के मॉलिक्यूल्स चिपके हुए ब्लड कैपिलरी में मौजूद ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाते हैं। फिर ये ब्लड मनुष्य के हृदय की तरफ बढ़ता है, जहाँ से पूरे शरीर में ये ब्लड फैल जाता है। पर जब एयर में O2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है, तब उसी समय ब्लड में मौजूद CO2 गैस इस एल्वोलाई के पास अंदर जाकर डिफ्यूजन के द्वारा। जस्ट वी विल सी हाउ ह्यूमन लंग्स वर्क। सुनिए अपने फेवरेट 90s के टॉप हिट हिंदी गाने मुफ्त में। ऐप अब इंस्टॉल करें। अस्सलाम वालेकुम। 11th जून 1963 को जेम्स डी हार्डी और इनकी टीम ने इस दुनिया में किया जाने वाला सबसे पहला लंग ट्रांसप्लांट किया। जेम्स डी हार्डी, हार्ट लंग ट्रांसप्लांट हेल्दी या फिर डैमेज हो जाते हैं, और इन दोनों का ब्लड ग्रुप का मैच करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा या फिर स्पेशल ब्रीथिंग डिवाइसेस के साथ कुछ दिन तक सांस लेने में हेल्प करता है। आईसीयू में पेशेंट के 2-3 वीक स्पेंड हो सकते हैं, और जब पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव हो जाए। मिल नहीं रहा है तो बाद में हम आपको दिखाएंगे। वो ठीक है, वो तो आपको समझ में आ गया, वो दिखाने की जरूरत नहीं है। नाउ आई वांट टू शो यू समथिंग मोर। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मैं भेज चुका फिर लिंक मीट पर। एक मिनट। एनाटॉमी ऑफ रियल लंग्स। Working of real lungs. Let us see. I think this will do. Take a look at these two sets of lungs. This set is pink and healthy. Ye healthy lungs are the lungs of a healthy person. ये है जिसने सिगरेट पिया। इसमें कार्बन बहुत ज्यादा है। टार का मतलब कोल टार। तो ये देखो, जब इसमें ब्रीद होगा, एयर भेजी जाएगी तो क्या होगा। तो ये पाइप के थ्रू इसमें ऑक्सीजन भेजेगा। ये पाइप का सिस्टम है। In the trachea, air passes cilia. Those are tiny hairs that keep dirt and mucus out of the lungs. From the trachea, there's a cluster of tiny air cells, your heart, and your heart pumps it to all the cells in your body. Now, back to the smoker's lungs. These are problems that can make it hard to breathe. Even though vaping doesn't force blood to your lungs, it does cause your lungs to get inflamed. Lungs ka expansion aur contraction ho raha hai. Blood, pus, and other fluids.
However, still we have to see some more. ये प्रैक्टिकल मुझे दिखाना है नाउ. ओके Now for a spectacular biological hack. Rachel Peterson from Washington State wanted to show her kids how lungs work. ये देखो लंग कैसे अंदर जा रहे हैं. Lungs from her local butcher and attached a leaf blower. Lungs just weird. हाँ असली लंग्स हैं. I guess they weren't designed to travel around without the rest of the cow attached. ये देखो. Some people might think this looks a little bit gross to see these lungs being inflated on the table, but to me as a biologist, I think it's amazing to see how this organ really works. When a cow breathes, it's taking in oxygen through its bronchial tubes, and it goes through the bronchial tubes and into the lungs and into these tiny, tiny little tubes called alveoli. And the purpose of the alveoli is to increase the surface area where gas exchange can take place. We're talking up to 500 square meters of surface area within a lung, and this is to be able to transfer oxygen into. तो आप देख रहे हैं कैसे इसका कैसे इसमें breathing in हो रही है. So surface area is really critical. Breathing in में फूलेगा ना ये गाय का लंग्स है. But these lungs look like they could burst. Were they ever human का नहीं है. An ordinary breath for a cow is about 1 gallon of air or 5 liters. But when you take the lungs outside the body and attach this leaf blower, समझ में आ गया आपको. About 4 times that size. Now that's some serious lung busting science that you'll only. तो इसमें इसने क्या बताया? जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो क्या अपने लंग्स की 1/5 एयर ही बाहर निकालते हैं? बोलो क्या बताया इसने भाई? आपने ये वीडियो सुना तो वो लास्ट में क्या बोल रहा था? व्हेन एक्चुअली वी ब्रीद आउट तो हमारे लंग्स में रिमेनिंग एयर कितनी रहती है कि पूरे लंग्स में 5 लीटर एयर है, लेकिन अगर हम बाहर सांस निकालेंगे तो कितने लीटर निकालेंगे? 1 लीटर निकालेंगे, और उसके अंदर जो सांस बची रहेगी दैट विल बी 4 लीटर. तो 4 लीटर रिमेनिंग होगी, ओनली 20% ऑफ इट इज थ्रोन आउट. अच्छा अब हम आगे की बात करते हैं. ये तो आपने लंग्स देख लिए ना कि असली के कैसे होते हैं. एंड आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट कि ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट कैसे होती है. ये प्रोसेस तो आप देख ही सकते हो और समझा भी दिया आपको. ओके समझ में आ गया कि रेस्पिरेशन क्या चीज़ होती है. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस. वो क्या डिफरेंस है? रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस. रेस्पिरेशन क्या चीज होती है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन. ये कौन सा प्रोसेस है? ब्रेकिंग डाउन. Of glucose with help of air to release energy. Now, जबकि ये क्या process है? It is the process of, ये कैसा process है? Making या synthesizing glucose with help of CO2 and water. ये रेस्पिरेशन में क्या होता है? क्या हीट रिलीज होती है? हाँ हीट इज रिलीज. और इसमें क्या होता है? हीट इज एब्जॉर्ब. क्या प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस पूरा दिन चला करती है? बोलो कि नहीं. इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस. और क्या ये हर ऑर्गेनिज्म में होता है और सेलुलर साइट में होता है? टेकिंग प्लेस इन. बोलो क्या रेस्पिरेशन में एब्जॉर्ब क्यों होगा? क्या चीज होता है? रिलीज होती है एनर्जी. दैट इज C6H12O6 और +6O2. तो क्या रिलीज होता है?
क्या एनर्जी रिलीज होगी, और ये कैसा प्रोसेस है, इट इज, ये कैसा प्रोसेस है, इट इज नॉन कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो कि डे आवर्स में होता है, इट इज टेकिंग प्लेस इन डे आवर्स और ओनली इन प्लांट्स, जो ऑटोट्रोप्स हैं, इट इज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग डे आवर्स इन ऑटोट्रोप्स। क्या प्लांट पूरा दिन रेस्पायर करते हैं कि नहीं? भाई आप कुछ कह रहे हैं हाँ, कुछ कह रहे नहीं, मैं किसकी बात मानूं? अब प्लांट सांस न लें तो जिंदा कैसे रहें? तो रेस्पिरेशन तो पूरा दिन करते होंगे, फोटोसिंथेसिस, खाना दिन में बनाते होंगे और दिन भर तोड़ते तो रहते ही होंगे, नहीं तो एनर्जी कैसे मिले? एक मिनट भी सांस न लें तो प्लांट मर जाए। सो इट इज एनर्जी न तोड़ें, उनको भी तो अपने काम करने हैं, बिना एनर्जी के एक सेल काम नहीं करेगा। तो इसलिए ये है CO2 प्लस वाटर की मदद से C6H12O6 बनाना और साथ में 6O2 का निकालना, ये सनलाइट में होता है। और क्या होता है, दिस इज टेकिंग प्लेस इन सनलाइट और इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। इतनी बात समझ में आ गई? तो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बोथ आर केमिकल प्रोसेस, तो दोनों ही केमिकल प्रोसेस होते हैं। नाउ अब हम जरा देखेंगे कि एडीपी और एटीपी क्या होता है। कि जब भी ये एडिनोसिन है, ये एडिनोसिन है, एडिनोसिन का मतलब क्या है, ये सब कार्बन है और इन सब में हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ होगा, तो इन सब में हाइड्रोजन है और इसमें दो फॉस्फेट लग जाए, एक पी ओ फोर यहाँ लग जाए और एक पी ओ फोर यहाँ लग जाए, तो क्या ये एडिनोसिन डाई फॉस्फेट हो गया? एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। और अगर एक, हाँ बोलो एडिनोसिन है और ये डाई फॉस्फेट है, फॉस्फेट आयन तो जानते हो ना, नाइन्थ में पढ़ा है, फॉस्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन क्या होता है, CO3 2 माइनस, और फॉस्फेट आयन क्या होता है और सल्फेट आयन क्या होता है, ये चीज़ तो मालूम है ना आपको, फॉस्फेट। तो फॉस्फेट अगर एक और जुड़ जाए इसी कार्बन के स्ट्रक्चर में, बाकी इन सब में H भी होंगे, तो ये एच एच लगे हुए हैं, इन सब में नहीं लगे हैं, तो क्या ये एक फॉस्फेट जोड़ने में माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत मेहनत लग जाती है, तो ये कैसे जोड़ पाएगा इसमें? जब इसको हम C6H12O6 देंगे और माइटोकॉन्ड्रिया से कहेंगे इस फॉस्फेट को जोड़ो, तो कनेक्ट कर देगा, तो कनेक्ट इसकी मदद से करता है क्योंकि इससे एनर्जी मिलेगी। और ये प्रोसेस कहाँ होता है इसको इसमें जोड़ने का, बताओ? और क्या अब इसमें तीन फॉस्फेट जुड़ जाएंगे? हाँ सर, तो क्या एक हाइड्रोजन आयन भी रिलीज होगा क्या? हाइड्रोजन आयन की अभी हम बात नहीं करेंगे, एडिनोसिन का एक थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, सो इट इज नॉट सो, हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे और ये इसके भी आयन्स कुछ जाएंगे, सो देयर आर सेवरल प्रोसेस टेकिंग प्लेस। लेकिन आप इतना सिंपल समझ लीजिए कि एडिनोसिन में एक और जुड़ने में तो इस तरीके के बन जाएंगे, तो ये क्या बनेगा बताओ? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसमें ये जो प्रोसेस है इसमें ये भी चाहिए, फिर ऑक्सीजन भी चाहिए। वो ऑक्सीजन क्यों चाहिए? क्योंकि जो हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा? और फिर इन सबको भी तोड़ना है, तो एक ग्लूकोज के टूटने में कितने एटीपी बन जाएंगे बताओ? 38 ना? तो 38 और ये भी 38 होंगे भाई, ए 38 तो हर एक में एक एक जुड़ेगा, तो कितने चाहिए? 38 और बने कितने? 38 एक ग्लूकोज टूटा, देखो एक लिखा है,
और 6O2 भी लिखा, ये देखो 6 भी लिख दिया। तो एक ग्लूकोज के टूटने पर हाउ मैनी ADPs आर फॉर्म्ड बताओ? क्या यही एनर्जी करेंसी है एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट? यस सर, एडीपी या एटीपी लिखो, एडीपी तो मिसप्रिंट है, ये एटीपी हो गया। ये क्या है? एनर्जी करेंसी। और माइटोकॉन्ड्रिया के सबको दे देगा, गाल्जी ऑपरेटर्स और सबको दे देगा, बोलो। नाउ जस्ट होल्ड फॉर वन मिनट। कल से आपकी SST शुरू हो जाएगी। अब आगे देखें कि ये देखो, जो गॉल्जी ऑपरेटर्स ने सारा ग्लूकोज किसको भेजा? क्या माइटोकॉन्ड्रिया को भेज दिया? ये देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो सारा ग्लूकोज किसको भेजा गया बताइए? जो भी आया बाहर से ब्लड वेसल लेके आई, उसको कहाँ भेजा गया? माइटोकॉन्ड्रिया को भेजा गया। क्या इसमें फॉस्फेट आयन तैरते रहते हैं पूरे साइटोप्लाज्म में? और इस यहाँ पर और कौन कौन लोग रहते हैं सेल के अंदर? क्या सेल के अंदर एक लाइजोजोम रहता है? क्या सेल के अंदर गॉल्जी ऑपरेटर्स रहते हैं? ये गॉल्जी ऑपरेटर्स रहते हैं, ये लाइजोजोम रहता है। इसी तरीके से सेल के अंदर क्या वैक्यूल भी रहता है प्लांट में? तो वैक्यूल भी रहेगा, ये सारी चीज़ें हैं सेल के अंदर, और सेंट्रियोल भी रहेगा, एंड देर आर सो मैनी अदर ऑर्गेनल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के पास जैसे ही ग्लूकोज आया बाहर से, C6H12O6 और O2, इसने अपना काम शुरू कर दिया, इसने देर नहीं लगाई। फिर इसने क्या बनाया? क्या ATP बनाया? और क्या इसने ATP रिलीज कर दी गॉल्जी ऑपरेटर्स के पास? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट गाल्जी ऑपरेटर्स ने क्या सबको भेज दिया, लाइजोजोम वैक्यूल सबके पास भेज दिया क्या? और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो सबके पास यहां से इसने ATP दी और इसने सबको ट्रांसफर की, ATP लो ATP लो सबको दे दी, जिस पे बैठे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी दे दी, न्यूक्लियस को भी दे दी, सबको चाहिए ATP, सबको काम करना है, सबको चाहिए। सेलुलर मेम्ब्रेन भी अपना काम करती रहती है, सेलेक्टेड पार्टिकल्स को अंदर भेजना और लेना। तो क्या इसने सबको बांट दिया 38 ATP? और बाकी लोगों ने क्या किया? उन्होंने उसकी एनर्जी यूज़ की और अपने अंदर से फॉस्फेट आयन बाहर निकाल दिया क्या? और बाहर क्या निकाला? क्या ADP? क्या ये एक्सपेंडेड करेंसी है? ADP एक एक्सपेंडेड फॉर्म है, उसने फास्फेट निकाल दिया, एनर्जी यूज कर ली तो ADP बन गया। यानी मेरा कहने का मतलब है कि अगर ATP और प्लस, जैसे ATP है तो,
और उसको उसने यूज कर लिया, ये एटीपी को उसने यूज कर लिया। किसने यूज किया? क्या सेल ऑर्गेनल्स ने? तो सेल ऑर्गेनल्स ने अगर यूज किया तो क्या बना देगी? क्या वो एडीपी बना देगी? एडीपी, और साथ में क्या फॉस्फेट आयन निकाल देगी? और इस काम में जब ये टूटता है, जैसे कोई बम का विस्फोट हुआ तो क्या एनर्जी निकलती है? तो इसी तरीके से जब इसका ब्लास्टिंग होगी तो इससे 30.5 किलो जूल एनर्जी निकलेगी। कितनी निकलेगी? 30.5 किलो जूल का मतलब समझते हो? जूल तो समझते होगे, इतने जूल एनर्जी, यानी एक एटीपी तोड़ा जाएगा तो इतनी एनर्जी निकलेगी। तो ये एनर्जी कौन यूज करेगा? सेल के ऑर्गेनल। हमारी बॉडी में सेल है, सारे सेल काम करते रहे तो हम भी सेल काम करेंगे, क्योंकि सेल मिलके टिश्यू बनाएंगे, तो उनको वही सब काम सौंपा गया, वो अपना काम करते रहे। तो हम उनको कार्बोहाइड्रेट बाहर से खाना खा के दे रहे हैं, तो सब मिलजुल के काम करते हैं। लेकिन एक एटीपी के टूटने से कितनी एनर्जी निकलती है, ये बताओ? इतनी निकलती? बोलो, ये बात समझ में आ गई? ये काम कहाँ होगा? सेल ऑर्गेनल में। और एडीपी और प्लस फॉस्फेट आयन और प्लस 30.5 किलो जूल एनर्जी, ये एनर्जी किससे मिली? क्या कार्बोहाइड्रेट से मिली? और इसको बड़े जतन से फिर कौन बनाएगा एटीपी? माइटोकॉन्ड्रिया का काम है कि ये एनर्जी कहां से लेगा, बताओ? क्या वो कार्बोहाइड्रेट को जला के लेगा? समझ में आ गई? तो इससे क्या बन जाएगा कि इट इज एटीपी। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, चीनी किस तरीके से फ्यूल है, ये हम आपको दिखा दें तो पता चल जाए कि हाँ चीनी फ्यूल है। दैट आई विल शो यू नाउ, जस्ट होल्ड। रिएक्शन बिटवीन शुगर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ जस्ट सी, ये देखो, ये शुगर लिया, चीनी ले ली, पूरा गिलास में भर लिया चीनी। अब इसकी रिएक्शन करा दी एसिड के साथ, तो इससे बहुत एनर्जी निकलेगी। ये देखो, धीरे धीरे एसिड अंदर गया, ये देखो, तो ये काला पड़ गया ना, इसकी बर्निंग हो गई। एक मिनट, बोलो। एसिड कोई भी ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, कुछ भी ले लो, तो देखो काला पड़ गया। अब एनर्जी निकलेगी, ये देखो कुछ निकलती हुई दिखाई पड़ी एनर्जी। तो शुगर में एनर्जी थी तभी तो निकली, ये देखो निकल रही है, ये देखो। एनर्जी प्रोड्यूस, बात समझ में आ गई आपको? तो शुगर में एनर्जी थी, उसको यूज करके माइटोकॉन्ड्रिया ने फिर एटीपी बना लिया। नाउ दिस मच इज ओनली फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास कि कैसे आगे रेस्पिरेशन होता है। थैंक यू।